देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये तो बुक में दिया रहेगा ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको फिर दोबारा से उतारना है, रिराइट करना है, क्लियर। यानी कि इसको यहाँ से ऐसे करके उठा के यहाँ पे आपको फिर से उतारना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समय बचाने के लिए इसी को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक क्लियर। चलिए मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिख देना है, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देना है, तो दोबारा इसे उतारना पड़ेगा, ठीक समझिए। मैं इसको उतार दिया, इसको हटा देते हैं, सिंपलीफाई यानी कि सरल करना है ना। चलिए तो मैं समझिए ये क्वेश्चन मैं उतार दिया, बराबर देते हैं, ये बट्टा है, बट्टा खींच दिया। ये कभी भी इस टाइप का सवाल रहे ना, खिचड़ी टाइप का, ये सवाल क्या होता है, खिचड़ी टाइप का, इसको मैंने क्या नाम दिया, खिचड़ी सवाल, खिचड़ी सवाल। खिचड़ी सवाल का मतलब क्या, सिंपलीफाई टाइप का खिचड़ी सवाल का मतलब क्या, जोड़ भी रहेगा, घटो भी रहेगा, गुना भी रहेगा, भाग भी रहेगा, बात समझे ना, फिर ब्रैकेट सब भी रहेगा, यानी कि कोष्ठ सब भी रहेगा, इस टाइप का सवाल सब रहेगा ना। तो उसको देखिए खिचड़ी जैसा है ना, सब सब मिला हुआ है ना, मिक्स है ना, तो वहां पे आप क्या यूज करना, रूल अप्लाई करना, नियम, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, एक दो कम ज्यादा रह सकता है ठीक है। जैसे किसमें देखिए गुना है, तो गुना है इसमें ऑफ, तो ऑफ भी लगा दीजिए, ऑफ 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 भी है, फिर यहाँ पर माइनस भी है, माइनस भी है ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सबका सर्वा भी करेगा, एक दो कम भी रह सकता है ठीक है, कुछ कम भी रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं ठीक है। मेन है बोर्ड मास रूल लगेगा, भी है कहीं पर ब्रैकेट होता है, ये नहीं, ऑफ ऑफ है, तो वहां तक इसको ले चलेंगे ठीक बात। देखिए फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री इंटू इंटू सेवन बाय फिफ्टी वन, यानी कि सात बटे इक्यावन, इक्यावन ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना, तो ऑफ का मतलब गुना होता है। कभी भी ये लिखा रहे ना इस टाइप का सवाल में, खिचड़ी वाला सवाल यानी कि बोर्ड मास वाले सवाल में, सिंपल लिखा में ऑफ लिखा रहेगा ना, तो समझिए उसका मतलब का, उसके जगह पर आपको गुना दे देना, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुना ठीक। इसको एज इट इज सिंपल से उतार देंगे, वन ही क्लियर, नीचे भी वही, वहां तक ले जाएंगे ऑफ तक, टू बाई नाइन इंटू फाइव बाई सेवन, ऑफ है इंटू हो जाएगा, क्लियर। अच्छा नाउ बराबर देंगे, अब देखिए ऑफ का तो अपने लोग कर दिए प्रोसेसिंग, डिवाइड उसके बाद क्या चीज़ का, डिवाइड वो तो है ये नहीं, आते छोड़िए, डिवाइड तो है ये नहीं, मल्टीप्लाई है ना, हाँ मल्टीप्लाई, तो उसका करेंगे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई क्या करेंगे ठीक। अच्छा तो मल्टीप्लाई क्या करिए, तो देखिए सत्रह एकम सत्रह, सत्रह तो इक्यावन, यानी कि सेवनटीन वन जा सेवनटीन, सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन ठीक बात। अच्छा सत्रह के टेबल में फिफ्टी वन आया ना तीन बार में, क्लियर। अच्छा और देखिए इतना इतना दूर है, इसको अभी आप हटा दीजिए, इतना दूर कर ये कर ये, यानी कि ये पूरा गुना है ना, ये पूरा गुना है ना, तो इसका प्रोसेसिंग करें ठीक है। चलिए फाइव वन जा फाइव, फिर फाइव वन जा फाइव, यानी पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच ठीक बात। और भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, अब नीचे आते हैं, नीचे 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 नीचे, फाइव वन जा फाइव, ये वन नहीं भी देंगे तो चलेगा ना, देखिए आप ऐसे ऐसे वन वन नहीं भी देंगे तो चलेगा, मैं ऐसा ही दे रहा हूँ ठीक है। ये कट गया, कट गया, ये फाइव से ये फाइव वन जा फाइव कट गया ठीक है। फिर देखिए सेवन सेवन वन जा सेवन, सेवन फोर जा फोर्टी एट हुआ ना, सेवन वन जा सेवन, सेवन सेवन वन जा क्या हो गया, फिफ्टी वन हो गया ठीक है। अब देखिए और कुछ कट रहा है, 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 अब हमको लगता है अब नहीं कुछ कट रहा है, क्योंकि पूरा तो मैंने काट दिया ना, अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में देखिए ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं ना, ऊपर ऊपर गुना करते हैं ऐसे 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 करके, आपको घसना नहीं है, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ऐसे 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 करके क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो सात को गुना करेंगे एक से, मतलब सात देखिए ऐसे करके सात गुने एक गुने एक, तो सात ही ना होगा, इसको नहीं लेना है, तो माइनस में है ना, तो इसको नहीं लेना है, इतना ऊपर में क्या बचा सात, तो सात ठीक बटे नीचे में कितना बचा, तीन तीन नौ, एक तो नौ ही ना हुआ, मैंने क्या बोला, एक को इग्नोर कर दीजिए, माइनस वन बाय थ्री, माइनस वन बाय थ्री हुआ ठीक बात ठीक है। बट्टा फिर देखिए टू बाय नाइन हुआ, टू बाय नाइन, फिर माइनस टू बाय थ्री, यहाँ पे टू बाय थ्री, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा अब मेरे पास स्पेस का हो गया, देखिए अपने लोग गलती कर दिए, कहाँ गलती कर दिए, देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ ये देखिए टू को इंटू करेंगे वन से, तो टू
फिर उस टू को इंटू करेंगे फोर से तो एट ना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे टू दे दिया तो एट हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, एट एट हो जाएगा अब, ठीक है। चलिए तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बात समझे ना, तो मैं टू दे दिया जल्दबाजी में, लेकिन यहाँ पे मैं फोर भूल ही गया, ठीक है। टू फोर जा एट ना होगा, और एक तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, यानी कि टू फोर जा एट हो गया, क्लियर। अच्छा, क्योंकि कोई भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे बराबर खींचेंगे, ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा को लिख देंगे, खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे, नौ तीन का एलसीएम कितना हो जाएगा नौ, फिर नौ को कितना वापरेंगे नौ आएगा, एक बार उसे को ऊपर से गुणा करते हैं तो वही कभी ना होगा, यानी कि नौ को कितना वापरेंगे, नाइन को कितना वापरेंगे वन आएगा, वन बार उस नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नाइन को कितना वापरेंगे नाइन आएगा, वन बार उस वन को सेवन से गुणा करेंगे तो सेवन होगा, माइनस तो माइनस, थ्री को कितना वापरेंगे नाइन आएगा, थ्री बार, यानी थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तीन बार उस तीन को ऊपर से गुना करते नोमिनेटर यानी कि अंश से, वही का वही होगा, ठीक बात। अच्छा, फिर देखिए बट्टा बट्टा खींच दिए, फिर वही चीज, नौ तीन का एलसीएम यानी कि लघुतम करेंगे तो नौ, नौ को कितना वापरेंगे नौ आएगा, एक बार उसे पार से गुना करेंगे तो आठ होगा, यानी कि नौ नौ मिल गया तो ऊपर का उतरता है, ठीक है। तीन को कितना वापरेंगे तीन नौ आएगा, तीन बार उस तीन को दो से करेंगे तो छः, ठीक। इसको देख लीजिए, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे उसके आगे बता रहे हैं, पहले आपको ये ऐसे करके उतारना है, ये पूरा उतारना है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं दूसरा नोटबुक में बना रहा हूँ, ठीक है। बराबर पट्टा खींच देंगे मेन वाला, यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, सात में से तीन गया तो कितना हो जाएगा चार, बटे कितना हो जाएगा नौ, दोनों में से बड़ा सात, सात का चिन्ह प्लस, दोनों में से बड़ा कौन सात, सात का चिन्ह प्लस, नहीं भी देंगे तो चलेगा तो देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, आठ में से छः गया तो दो, फिर बट्टा नौ, ठीक है, दोनों में से बड़ा आठ, आठ आठ का चिन्ह प्लस, नहीं भी देंगे तो चलेगा तो रहेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, अच्छा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, उसको थोड़ा अब अपना कर लीजिएगा मैनेज, ठीक। बराबर अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार तो मेन बट्टा तो ये हुआ, फर ये नहीं देना है घंस घंस के, ठीक है। फोर बाय नाइन हो गया, ये फोर हो गया, ये फोर, फोर बाय नाइन हो गया, ठीक बात। अच्छा फिर यहाँ पे बट्टा तो भाग हो जाएगा, बट्टा मतलब भाग, देखिए टू बाई थ्री ऐसे लिखिए, टू बाई थ्री ऐसे लिखिए, एक ही बात हुआ, ठीक है। टू बाई नाइन हो गया, फिर देखिए फोर बट्टे नाइन, फोर बट्टे नाइन भाग है तो गुना, ठीक है। ये देखिए ऊपर नीचे देखिए भाग होता है तो गुना हो जाता है ना, दाई ओर का इधर का ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हिंदी मीडियम में, गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी अंश जाएगा हर में, हर चला जाएगा अंश में, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, ऊपर नीचे हो जाएगा उल्टा पुल्टा, ऊपर नीचे हो गया, ठीक। अब देखिए नैन वन जा नैन, नैन वन जा नैन, थ्री से भी काट सकते हैं, बात बराबर हुआ, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ठीक बात। अच्छा कितना बचा, टू, टू बाय वन, मैंने क्या बताया नीचे में एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, टू बाय वन तो टू एन हुआ, टू एन हुआ तो टू इज द करेक्ट आंसर,